सोलोप्रेस, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि आईपीपी में जो अकाउंट होता है उसमें गूगल पे, फोन पे कोई भी चीज किस तरह आप बना सकते हैं। उसमें गूगल पे फोन पे कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को किस तरह आपको गूगल पे, फोन पे बनाना है, उसके बाद एटीएम किस तरह आपको निकालना है। एटीएम इसमें तो नहीं होता है, इसमें वर्चुअल एटीएम होता है, इसको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट, उसके बाद एटीएम 16 डिजिट का जो डिजिट का नंबर जो होता है उसको किस तरह आप निकाल सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें आपको अकाउंट नंबर डालना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड डालना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, इसमें पहले आपको अकाउंट नंबर, उसके बाद कस्टमर आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सारा जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर वही देना है, तभी आपका ये हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं किस तरह आपको करना है। प्ले स्टोर में आ जाना है, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आईपीपी सर्च करके यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर जो भी रहेगा पासबुक में वो सारा डिटेल वगैरह दे देना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो सारा कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट से देख के दे देना है। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक के साथ वही देना है और अदर नहीं देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारा कुछ एंटर कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देते हैं 18 मार्च। यहाँ पर फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही दीजिएगा तभी होगा। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक एम पिन बनाना है 4 अंक का, उसके ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिख देना है री एंटर करके। उसके बाद बैक बटन को प्रेस करके सेट UPI वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा बैक वाले बटन को प्रेस करके उसके सबमिट वाले ऑप्शन पर प्रेस कीजिएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। MPIN यहाँ पर एंटर कर देंगे। MPIN एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा रिक्वेस्ट डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है कि 7 महीने का ये वैलिड रहेगा। उसके बाद इंस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म कीजिएगा आपको सिर्फ एक OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर चलिए OTP एंटर कर देते हैं। बैक बटन को प्रेस करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार गो टू होम वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर गो टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, उसके बाद फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, यहाँ पर व्यू डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एक MPIN बनाना पड़ेगा डेबिट कार्ड के लिए, सिर्फ कन्फर्म करेंगे जो MPIN दिए होंगे वही MPIN एंटर करने के बाद यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डिटेल वगैरह खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी को याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद उसमें OTP आएगा, OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह आपको करना है। तो चलिए अब हम अपना फोन पे अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ पर फोन पे जैसे ही खोलिएगा बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर बैंक जो भी बैंक रहेगा, यहाँ पर मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक था, तो चलिए यहाँ पर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर सर्च कर लिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पर आपका बैंक ढूंढा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हो चुका है। यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिकेगा जो ATM यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर फिल करना है उसका डिटेल्स वगैरह। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं।
आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जैसे कीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऑटो पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे में सेट यूपीआई 6 अंक का कोई भी एक यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों इसको कंफर्म कर देंगे, ऑटो पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप फिल कर दीजिए, उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपका फ़ोनपे बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ सेकेंड वेट कर लीजिए, यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं योर अकाउंट है सक्सेसफुली। यहाँ पर अब बैलेंस चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बैलेंस चेक हो चुका है।